हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्जाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, ये वीडियो एचटेट पीआरटी एग्जाम से रिलेटेड है। एचटेट पीआरटी एग्जाम जिन्होंने दिया था तो उनके ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। जिन्होंने एग्जाम दिया था वो अपने आंसर चेक कर सकते हैं, और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था, जो सीटेट अभी आने वाला है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, या नेक्स्ट टाइम जिनको एचटेट का एग्जाम देना है वो देख सकते हैं कि एचटेट के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट 30 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन कहा गया है वुडवर्थ के द्वारा। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कितनी आयु पर बच्चों में लिंग पहचान स्थापित होती है? तो ये होती है 2 वर्ष में। विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक इकाई की समाप्ति पर मानदंड संदर्भित ऐसे परीक्षण जिसमें विविध प्रकार के मूल्यांकन तकनीकी के द्वारा लिए गए परीक्षण में प्रदर्शन किया जाता है, किस प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है? तो ये कहलाता है नियतकालिक मूल्यांकन। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन दिया है स्कीनर ने। ये सभी आंसर ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। नीचे अधिगम सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए हैं, इंगित कीजिए कि किस जोड़े का मिलान सही नहीं है। तो इसमें अनुकूलन या अनुबंध अनुक्रिया, वुड एवं रीड, ये सही नहीं है, बाकी के तीनों सही दिए हुए हैं। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत वर्दिमर एवं कोहलर ने दिया है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थोर्नडाइक, गेट्स और स्टीफन द्वारा दिया गया है। और पुनर्बलन का सिद्धांत हल और स्कीनर ने दिया है। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी ने शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत किसी विषय में 100 में से 47 अंक प्राप्त किए। इन अंकों को सीसीई योजना के अंतर्गत किस ग्रेड में बदला जा सकता है? तो इसको बदला जा सकता है C2 में। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सी संकल्पना सीखने के लिए केंद्रीय होती है? ये होती है संस्कृति एवं भाषा। 3 वर्ष की आयु में बालक लगभग कितने शब्द सीख लेता है? तो वो सीख लेते हैं लगभग 1000 शब्द। नेक्स्ट है, डिसलेक्सिया संबंधित है? तो ये है पठन विकार से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है? तो वो है मानदंड संदर्भित परीक्षण। नेक्स्ट है, 4 से 5 वर्ष की आयु में बालक में कौन से विकास की वजह से वह अपने माता के प्रति प्रेम और पितृविरोधी भावना दर्शाने लगता है? तो यह है ओडिपस ग्रंथि। 4th इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अनुदैर्ध्य अध्ययन, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? तो इसमें जो 4th है स्मृतिकरण, ये सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलर तथा डोलार्ड द्वारा प्रदत्त अनुकरणात्मक व्यवहार का प्रकार नहीं है? तो ये है सेकंड, सहसंबंधात्मक व्यवहार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, प्रशंसा। किसने मानसिक आयु शब्द में सबसे पहले परिचय कराया? तो ये कराया था एल्फर्ड बिने ने। नेक्स्ट है, रास के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा गया है? तो यह है बाल्यावस्था। कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है? यह है निर्देशन। किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, बच्चे की क्रियाओं को प्रतिबंधित करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये है पैर से सर। नेक्स्ट है, बहु बुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ये थे हावर्ड गार्डनर। फ्रायड द्वारा दिए गए मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था निम्नांकित में से कौन सी है, कौन सी नहीं है पूछा है? तो इसमें करेक्ट आंसर है 4th, आइकोनिक या प्रतिभा अवस्था। एक बालक जो अपने स्कूल जीवन के बीच यानी लगभग 10.5 साल में
अपनी आयु के समकक्ष से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो उसको किस प्रकार का बालक कहते हैं? उसको कहते हैं शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी नए ज्ञान को इस तरह से सीखता है कि वह पहले से सीखे हुए संप्रत्यय एवं नियमों का परिमार्जन तथा विवर्धन करता है, इस प्रकार का अधिगम कहलाता है। तो ये कहलाता है सहसंबंधात्मक सीखना। नेक्स्ट है, जेंडर स्कीमा थ्योरी किसने प्रस्तावित की थी? ये की थी SL बेम ने। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धी कार्यक्रम नहीं है? तो इसमें से है फोर्थ, विशिष्ट आवासीय विद्यालय। ऐसे कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम मानसिक योग्यता दिखलाते हैं तथा ठीक उल्टा दृश्य भी दिखाई देता है। वंशानुक्रम का यह नियम कहलाता है, ये कहलाता है प्रत्यागमन का नियम। इस नियम के अनुसार जो संतान होती है वो अपने माता पिता से विपरीत गुणों वाली होती है। नेक्स्ट है, आरंभिक बाल्यकाल का आयु समूह काल क्या होता है? तो ये होता है जो 2 से 6 वर्ष। AAMD तथा APA के अनुसार गंभीर मानसिक मंदता युक्त बालकों का बुद्धि लब्धि परास क्या होता है? तो ये होता है 20 से 35। नेक्स्ट है, अहम केंद्रिता का गुण जीन प्याजे द्वारा प्रदत्त बौद्धिक विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देता है? ये दिखाई देता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, पूर्व सहक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी से रिलेटेड है, निम्न में से प्रारब्ध का विलोम है? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द लय प्रत्यय में युक्त नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, अचल। नेक्स्ट, निम्न में से किस व्यंजन का उच्चारण दंतत्य नहीं है? तो ये है श, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। असंगत विकल्प बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट है, अव्ययीभाव भाव समास का उदाहरण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, आजकल। निम्न में से किस भाववाचक संज्ञा शब्द की निर्मिति व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुई है? वो है ऐश्वर्य, थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। किस शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वो है पराश्रित, सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए, तो वो है पक्षीगण, सेकंड। संधि की दृष्टि से असंगत चुनिए, इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। अनेकार्थक शब्द के अर्थ समूह की दृष्टि से कौन सा विकल्प संगत नहीं है? तो इसमें करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट है, अशुद्ध विकल्प चुनिए, तो इसमें जो अशुद्ध है वो है सेकंड, जो प्रमाण से सिद्ध न हो, प्रमाण्य, ये अशुद्ध है। किस विकल्प में अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो वह है अन्वेषक में, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से अतिथि शब्द का सही विलोम शब्द बताइए, तो वो होगा आतिथ्य। निम्न में से भाववाचक शब्द छाटिए, तो है किसानी। निम्न शब्द युग्मों में गलत अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए, तो वो है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 46 है। चूज वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस, हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट है, आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट ए प्राइज, द अंडरलाइन वर्ड्स आर, तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, नाउन क्लाज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ट, इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, गारंटी। दे डिसाइडेड टू कोऑपरेट, द अंडरलाइन वर्ड्स आर यूज्ड एज ए, ये होगा इन्फिनिटिव, इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द ब्लैंक, द कलेक्टर एंड डायरेक्टर डैश कमिंग इन द बिल्डिंग, तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, आर। नेक्स्ट है, डैश यू लाइक ए कप ऑफ कॉफी, तो इसमें आएगा वुड यू लाइक ए कप ऑफ कॉफी, सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में पैसिव वॉइस में चेंज करना था, एवरीबडी लाफ्ड एट रोहित, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहित वाज लेफ्ट लाफ्ड बाई एट बाई एवरीबडी। नेक्स्ट में प्रीपोजिशन बतानी थी, देयर वॉज ए फुटपाथ दैट वेंट डैश द रोड टिल द रेलवे स्टेशन, तो इसमें आएगा एलोंग, सेकंड इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है आई वाज टायर्ड बिकॉज आई डैश फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसमें आएगा हैड बीन वर्किंग। नेक्स्ट है ही इज बिजी, इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट सम। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस, ही सेड हर सिस्टर विल अराइव फ्रॉम मुंबई टूडे, इसका करेक्ट आंसर है ही सेड दैट हर सिस्टर वुड अराइव फ्रॉम मुंबई दैट डे। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एंटोनिम, इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ एक्वायर। नेक्स्ट में प्रीपोजिशन बतानी है, ही डाइड डैश कैंसर, तो इसमें आएगा ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड एंटरटेन। क्वेश्चन नंबर 60, नेक्स्ट दे हैड टू कैंसिल द मैच एज द ग्राउंड वाज टू वेट टू प्ले ऑन, इसमें अंडरलाइन वर्ड को रिप्लेस करना था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। ये 1 to 60 क्वेश्चन है, इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं।